जब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली तो फिर अपनी पाठशाला तो वेले हो गए। जब गुरु साहिब जी ने पंडित जी और मौलवी जी ने आप ही पढ़ने पा दिता तो हूँ उन्होंने होर की पढ़ना सी। उन्हों की पढ़ाई तो आत्मक सी, वह तो हर वेले आत्मा नू परमात्मा नाल जोड़ते रहते सन। यो कारण सी कि जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो वह हर वेले परमात्मा की भगती विच विलीन रहते सन। वह तो प्रभु नाल अपनी आत्मा नू जोड़ के आनंद मानते सन, पर दुनियावी लोग यह समझते सन कि गुरु जी बहुत उदास सन। पर वह अंतरमुखी रमजा नू की समझते? पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी भी उन्होंने इस हालत वेख के उदास सन। एक दिन पिता मेहता कालू जी ने सोचा कि शायद उन्होंने पुत्र वेला रहन करके उदास रहा है। इसनों जंगलों उजाड़ों में घूमन का बहुत शौक है, जिस तो असी इसनों रोकते हाँ। इसलिए क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जिस नाल साडा पुत्र खुश रहे अते कुछ काम भी करता रहे। उन्हां पास कई गाइयां अते मज्जां सन, इसलिए मेहता कालू जी ने सलाह की कि पुत्र नानक नूं मज्जां चारन की जिम्मेवारी सौंप दी जाए। इस बारे जब उन्होंने अपने पुत्र नाल गल की तो वह झट मन गए। गुरु साहिब हर रोज़ मज्जां नूं जंगल विच छड़ दिंदे अते आप समाधि ला के किसी दरख्त हेठ बैठे रहिंदे। एक दिन उन्हां दीआं मज्जां किसी दे मकई दे खेत विच जा वड़ियां। जद किसान नूं इस बारे पता लगा तो वह भज्जा आया अते अपना खेत उजड़िया वेख के पिंड दे हाकम पास शिकायत लाउण अते मुआवजा मंगण लई चला गया। राय बुलार जी ने मेहता कालू जी अते गुरु जी नूं बुलाया। राय बुलार जी तो गुरु जी के पहला ही सिख बन चुके सन, इसलिए उन्होंने किसान अते अपने कुरिंदे नूं खेत च होए नुकसान का जायजा लैण भेजा। पर उन्होंने कुरिंदे ने आके सूचित किया कि खेत तो अगे नालों भी ज़्यादा हरिया भरिया है अते उत्थे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होया। किसान भी बहुत हैरान होया अते वह मुआफ़ी मंग के चला गया।